नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय सियाराम। संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जीआर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम पिछले 2-3 वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पढ़ रहे हैं अधिगम के बारे में, और इसी अधिगम की श्रृंखला में आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, और आज मैं आपके लिए जो सिद्धांत लाया हूं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी देखने वाले हैं उन सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के साथ साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, पास में छपा बेल या घंटी का जो चिन्ह है उसको जरूर दबा ले ताकि जब भी वीडियो आपको आए, जब भी वीडियो नया बने तो उस पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मैं बात कर रहा था आपको, आज का जो सिद्धांत है वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। एक विद्वान थे जिनकी फोटो आपके सामने है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसके 2-3 और नाम भी है, उन पर बाद में चर्चा करेंगे। इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं, इसको कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको इसी स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी दिया था, और इस सिद्धांत को निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये अभी आपको शुरुआत में मैं बता रहा हूं तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि इनके नाम क्यों है, लेकिन लास्ट में हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा स्किनर के बारे में हम साधारण सा परिचय पढ़ ले कि वास्तव में स्किनर कौन थे और उनका क्या योगदान था। तो बात कर रहा हूं मैं स्किनर की। स्किनर कौन थे और उनका क्या योगदान था, तो थोड़ा सा सामान्य सा इनका परिचय पढ़ लेते हैं कि स्किनर जो थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, उस यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। क्या थे? अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, और उन्होंने उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रहते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद में मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयोग किए। इसके अलावा दूसरी जो बात आपको याद रखनी है कि आपने इससे पहले पावलोव का सिद्धांत पढ़ा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, और वाटसन का सिद्धांत भी, वाटसन का प्रयोग भी आपने पढ़ा होगा। तो इन ये सारे के सारे जो विद्वान थे वो कौन से थे? व्यवहारवादी, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो सिद्धांत था वो व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि इन सब ने जो अपने प्रयोग में व्यवहार का अध्ययन किया था तो इसलिए व्यवहारवादी। तो कई बार सवाल आता है निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो स्किनर व्यवहारवादी थे, पावलोव व्यवहारवादी थे, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, अब आगे आएगा कोहलर, जिन प्याजी ये संज्ञानवादी थे। तो याद रखना है अपने को व्यवहारवादी। तीसरी इसके बारे में एक और चीज याद रखनी है कि स्किनर जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। याद रखना इसको, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या है, का सिद्धांत दिया। कब दिया ये? 1938 में, या ये भी याद रखना 1938 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इनके बारे में चौथी चीज आपको जो याद रखनी है कि स्किनर जो थे उन्होंने किस पर प्रयोग किया? एक प्रयोग तो उन्होंने किया चूहे पे, और दूसरा जो प्रयोग किया वो था कबूतर पे। तो ये भी सवाल आता है, जैसे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने आपको पता है प्रयोग किया था बिल्ली पर। उसके बाद हम पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसी तरह है उन्होंने चूहे और कबूतर दो जानवरों पर प्रयोग किया था। वाटसन ने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था जिनका नाम था अल्बर्ट। तो चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया। अब क्या प्रयोग किया उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में चूहे और कबूतर पर क्या प्रयोग किया। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक
प्रयोग ये किया कि एक बार उन्होंने एक चूहे को एक पिंजरे में डाला, एक चूहे को एक पिंजरे में डाला और पिंजरे में एक घंटी लगा दी और लीवर लगा दिया, एक लीवर लगा दिया, एक घंटी लगा दी और एक भोजन गिरने का सिस्टम बनाया। अब चूहा इधर उधर, देखो ध्यान से समझना कि ध्यान से समझना इसको, इन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बनाया, वापस ध्यान से समझना, एक पिंजरा बनाया और पिंजरे में डाल दिया चूहे को। इसके साथ ही उन्होंने एक बनाया लीवर, यहां लीवर था, तो ये लीवर को दबने से क्या आ रहा था, भोजन आ रहा था। ठीक है, लीवर के दबने से क्या आ रहा था, भोजन आ रहा था। और जब ये लीवर दबाता है चूहा तो एक घंटी की आवाज होती थी। चूहा पहले शुरुआत में डाला गया तो इधर उधर उन्होंने दौड़ धूप की और गलती से ये लीवर दबा और उसको भोजन मिलने लगा। ये प्रयोग थार्नडाइक और पावलो के सिद्धांत से मिलता जुलता है, लेकिन ये चूहा जब भोजन मिला तो उसने भोजन खाया और बाद में चुपचाप बैठ गया। फिर जब उसको भूख लगी तो उसने वापस उछल कूद की और धीरे धीरे सीख गया लीवर दबाना। और ये चूहा जब भी उसको भूख लगती तो वो क्या दबाता, लीवर दबाता। तो स्किनर ने कहा कि भाई जो काम होता है, पावलो और थार्नडाइक ने तो कहा था कि कोई भी काम होता है किसकी वजह से होता है, उद्दीपन की वजह से अनुक्रिया होती है। भाई उद्दीपन अनुक्रिया होती, कोई उद्दीपन चाहिए, उद्दीपक चाहिए, या उद्दीपन से होता है, उद्दीपन कह दूं कि उद्दीपन से क्या होती है, अनुक्रिया होती। किसने कहा, थार्नडाइक और पावलो दोनों ने। ठीक है, लेकिन स्किनर ने कहा कि भाई ये उद्दीपन से की उद्दीपक की जरूरत नहीं है, उद्दीपक होना जरूरी नहीं है। चीज तो वही थी, चूहे की स्थितियां वही थी, लेकिन उसने काम कब किया, जब भूख लगी। और भूख लगी तो वो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उद्दीपक की जरूरत नहीं है, ये जो क्रिया हो रही है ये है क्रिया प्रसूत। ठीक है, इसके बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा, क्रिया प्रसूत और उद्दीप अनुक्रिया में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत और अनुक्रिया दोनों जो है उनमें डिफरेंस उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कोई भी काम में अनुक्रिया या उद्दीपक के होने की जरूरत नहीं है, बिना उद्दीपक के भी काम होता है। और इस जो बॉक्स जो था स्किनर का, इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। एक बार सवाल आया हुआ है स्किनर बॉक्स, इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। और एक और नाम है जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, याद रखना, शॉर्ट में कौन सा नाम है, बीपीओ ओबी, पूरा नाम इसका बार प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग बॉक्स। तो यदि ऐसा नाम आ जाए तो उसको याद रखना है, बीपीओबी, बार प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बॉक्स, सॉरी ऑपरेटिंग बॉक्स। तो इस पिंजरे में उसको डाला। इसके साथ साथ उन्होंने एक और प्रयोग किया, किस पर किया, कबूतर पर। कबूतर पर भी उन्होंने सेम ये प्रयोग दोहराया कि कबूतर को भी उन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में डाला, ध्यान से इसको देखना। और इस पिंजरे का ये सिस्टम ये बनाया गया, पिंजरे का ये सिस्टम बनाया कि कबूतर जब भी एक यहाँ एक फलक बनाया गया और उस फलक पर कबूतर जब भी चोंच मारता, तो कुंजिया फलक पर जब भी चोंच मारता तो क्या गिरता, भोजन की एक खिड़की खुलती और साथ में आवाज भी होती और क्या गिरता, भोजन गिरता। तो इस प्रकार इन्होंने दो प्रयोग, ये प्रयोग किया था 1938 में, चूहे का प्रयोग किया था 1938 में। ठीक है, चूहे वाला प्रयोग किया 1938 में, और उसके 5 साल बाद में 1943 में, 1943 में उन्होंने ये प्रयोग किया, किस पर, कबूतर पर या पिजन पर। तो इस जो कबूतर को रखा था, जिस बक्से में कबूतर को रखा था उसको कबूतर बॉक्स नाम दिया गया, पिजन बॉक्स भी कहते हैं, पिजन बॉक्स भी कहते हैं। तो ये दो प्रयोग उन्होंने किए।
अब देखना, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई वो क्या आई इनके सिद्धांत में, स्किनर की महत्वपूर्ण बातें क्या थी? स्किनर की जो सबसे मोस्ट बात क्या थी, स्किनर की महत्वपूर्ण बात, इसको समझना आप। बातें जो अलग थी दूसरे, किससे? इनसे पहले जो थार्नडाइक और पावलो के सिद्धांत आए थे उनसे अलग क्या थी? तो उन्होंने पहली बात कही कि कोई भी क्रिया कैसे होती है, किस क्यों होती है? क्रिया प्रसूत होती है। क्रिया प्रसूत, क्योंकि सिद्धांत भी उन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत का वास्तव में अर्थ क्या है, इसको हम समझेंगे। तो देखो, स्किनर ने सीधी सी भाषा में कहा कि कोई भी जो क्रिया होती है उसमें उद्दीपक होना जरूरी नहीं है, उद्दीपक होना जरूरी है। उसने कहा कि जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, अब इसमें बताओ क्या उद्दीपक होगा? बच्चा खेल रहा है क्योंकि उसको क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है उसको। तो स्किनर ने कहा कि कोई भी काम होता है किस वजह से होता है, जिसका प्रभाव अच्छा हो, परिणाम अच्छा हो, इस वजह से काम होता है, उसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत। तो इसकी परिभाषा भी आप देख सकते हो कि वो ऐच्छिक क्रिया है। देखो, दो क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ध्यान से समझना। क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? दो, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। एक तो होती है ऐच्छिक, ठीक है, और एक होती है साइंस के में पढ़ोगे अनैच्छिक, ठीक है। दो प्रकार की क्रियाएं होती है। तो उन्होंने कहा, आपने पावलो और थार्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा था कि पावलो ने कहा कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो उस पर किसी का, कुत्ते का कंट्रोल नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है। जैसे आपके हाथ में पिन चुभी, आपका हाथ दूर चला गया, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया, हमारा कंट्रोल नहीं, चुभ थी, हाथ अपने आप आ जाता है, हम सोचने से पहले तो हाथ हट जाता है। जबकि कुछ काम ऐच्छिक होते हैं, अब हम इच्छा से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत जो है उसका अर्थ ये है कि ऐसा अधिगम, ध्यान से समझना, ऐसा अधिगम, अधिगम, क्योंकि सिद्धांत कौन सा था? अधिगम का था। तो ऐसा अधिगम जिसमें पहली बात तो उद्दीपक की जरूरत नहीं है, उद्दीपक का होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या जरूरी नहीं है? उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? देखो, उद्दीपक की थोड़ी सी चर्चा कर लूं मैं। तो उद्दीपक जो है, उद्दीपक शब्द को देखना, उद्दीपक, तो उद्दीपक किससे बना हुआ है? दीप से बना हुआ है, या दिया कह दूं मैं, दीप या दिया, ठीक है। अर्थात जब अंतर मन में एक उद्वेलित हो या एक जलन सी पैदा हो तो वो क्या होता है? उद्दीपक। जैसे बिल्ली को उद्दीप्त कौन कर रहा था? वो मछली, उसके लिए उद्दीपक था, ठीक है। इसी प्रकार पावलो के सिद्धांत में कुत्ते के लिए उद्दीपक था भोजन, तो वो उद्दीप्त का मतलब उद्वेलित करे, उसमें अंदर से जलन पैदा करे, दिया जल जाए जैसे, तो वो था उद्दीपक। तो कहने का मतलब है कि ऐसा अधिगम जिसमें उद्दीपक का होना अनिवार्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्रिया होती है ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया है ये। कौन सी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया। और तीसरी बात देखो, पहली बात, दूसरी बात होगी, और तीसरी बात, जब किसी क्रिया में क्रिया का प्रभाव अच्छा हो तो क्रिया की प्रायिकता बढ़ जाती है, प्रायिकता या स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा ही सिद्धांत, देखो इस पर ध्यान देना, इस बात पर ध्यान देना कि जब किसी क्रिया का प्रभाव अच्छा हो, परिणाम अच्छा हो, तो क्रिया क्या है?
प्रायिकता बढ़ जाती है। ऐसा ही सिद्धांत दिया था थोंडाई का, मुख्य नियम था प्रभाव का नियम। ठीक है, तो प्रभाव का नियम, तो ये जो स्किनर का जो सिद्धांत था वो किससे प्रभावित था? थोंडाई के प्रभाव के नियम, जो मुख्य नियम पढ़े थे ना हम तीन, प्रभाव का नियम, तत्परता का, तो उनमें प्रभाव का नियम से ये सिद्धांत प्रभावित था। कई बार सवाल आता है कि स्किनर का सिद्धांत थोंडाई के किस सिद्धांत से मेल खाता है, तो प्रभाव का सिद्धांत। तीसरी चीज, चौथी चीज इसमें आप ये समझना कि किसी भी क्रिया की, जो कोई भी काम होता है, क्रिया में किसकी जरूरत होती है? क्रिया में पुनर्बलन की जरूरत होती है। उन्होंने सबसे ज्यादा इस सिद्धांत पर जोर दिया, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। पुनर्बलन की, क्रिया में पुनर्बलन के मिलने से, के मिलने से, से क्रिया की गति या प्रायिकता बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है और इसको ध्यान से देखना कि सारा सिद्धांत जो स्किनर का था उसने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया? पुनर्बलन पर। सबसे ज्यादा जोर किसने किस पर दिया? पुनर्बलन पर दिया। पुनर्बलन पर क्या जोर दिया, ध्यान से समझना। स्किनर के सारे सिद्धांत पर जोर किसने किस पर दिया? पुनर्बलन पर। वैसे पुनर्बलन का जो सिद्धांत था वो तो किसने दिया था? हल ने। सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत तो दिया था हल ने, एक विद्वान आएंगे हल, उन्होंने दिया था। किसका सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी व्याख्या किसने की थी, या सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था? व्याख्या की थी स्किनर ने। तो कई बार सवाल आता है कि पुनर्बलन पर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेनफोर्समेंट, याद रखना इसको, अंग्रेजी टर्म्स भी याद रखना। रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा जोर जो स्किनर ने किस पर दिया? रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन पर। लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हल ने दिया था। तो दोनों में डिफरेंस समझना इसको, वेरी मोस्ट चाहिए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। जबकि पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा व्याख्या या सबसे ज्यादा जोर किसने दिया? स्किनर ने दिया। तो इसलिए पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। पुनर्बलन सबसे ज्यादा जोर स्किनर ने, और पुनर्बलन की व्याख्या स्किनर ने की, और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। अब देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं कि स्किनर ने कहा कि जैसे एक बच्चा है, अब एक बच्चे से मुझे होमवर्क करवाना है। जैसे आप टीचर बनोगे, आप टीचर हो, तो आपको क्या करना है? एक बच्चे को होमवर्क करवाना है कि कल बेटा ये होमवर्क लाना। अब उस होमवर्क को करवाने के लिए यदि उसको पुनर्बलन दिया जाए, जैसे कहूंगा कि बेटा ये काम कर लो, मैं आपको क्या दूंगा? चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट क्या काम कर रही है उसके लिए? पुनर्बलन का। और यदि पुनर्बलन दिया जाए तो वो क्रिया अच्छी होगी और जल्दी होगी। जैसे आप हम पढ़ रहे हैं, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका एक बहुत बहुत बड़ा सा पाठ है, उसको मैंने, वो सोचता है कि 3 घंटे में ये पाठ मैं पढ़ लूंगा। मैंने कहा कि आप 3 घंटे में जब आप पढ़ लोगे इस पाठ को, तो हम क्या करेंगे? मैंने मेरे बच्चे से कहा कि हम चलेंगे पिकनिक पे। अब पिकनिक क्या कर रही है? उसको पुनर्बलित कर रही है, पुनर्बलन मिल रहा है उसको, और वो जो 3 घंटे का काम है 2.5 घंटे में ही हो जाएगा और अच्छा होगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और वो क्या होगा? अच्छा होगा। तो अर्थात स्किनर ने कहा कि सारे के सारे काम होते हैं वो पुनर्बलन के प्रभाव से अच्छे किए जा सकते हैं, उद्दीपक की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें पढ़ने में उद्दीपक क्या होगा? कुछ नहीं, उद्दीपक की जो अनुक्रिया जो होती है, अनुक्रिया। अब देखो इसमें क्रिया प्रस्तुत और अनुक्रिया में क्या अंतर है, तो अनुक्रिया का ध्यान से समझना। अनुक्रिया जो होती है, अनुक्रिया किसको बोलते हैं? अनुक्रिया। इसमें क्या जरूरी है? उद्दीपक जरूरी है। क्या जरूरी है? उद्दीपक आवश्यक है। जबकि
रेनफोर्समेंट में कोई उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन जो होता है, जो भी कोई भी कार्य होता है, उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है। और यदि काम तो वैसे होगा, चूहा चूहे का प्रयोग, कबूतर के प्रयोग की बात करूं तो चूहा है, चूहे को रेनफोर्समेंट या पुनर्बल में क्या मिल रहा था कि जब भी उसको भूख लग रही थी उसकी चोंच मारने से रेनफोर्समेंट ये मिल रहा था कि वो क्या हो रहा था, खाना उसको मिल रहा था। लेकिन अनुक्रिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि चूहा तभी काम करेगा जब उसको, तभी प्रयास वो करेगा जब उसको थोड़ी सी क्या लगी हो, भूख लगी हो, जब उसको आवश्यकता हो। और आवश्यकता से अच्छा प्रभाव, दाना मिल रहा था उसको, भोजन मिल रहा, तो भोजन क्या कर रहा था उसको? पुनर्बलित कर रहा था, पुनर्बलन दे रहा था, ठीक है। तो उद्दीप ये अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत में अंतर समझ गए होंगे। क्रिया प्रसूत का अंग्रेजी टर्म्स भी याद रख लेना, ऑपरेशनल कंडीशनिंग, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल कंडीशनिंग सिद्धांत, ऑपरेशनल कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी थी ये। कंडीशनिंग का मतलब वो मत समझ लेना कि बाड़ों पे कोई कंडीशनिंग लगाते हैं ना, आजकल कंडीशनर आते हैं। तो ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? स्किनर ने। आज का जो वीडियो है उसमें स्किनर से संबंधित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला। तो दो प्रयोग समझे। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया? पुनर्बलन पे। तो एक छोटी सी और बात कर लूं मैं आपसे कि वास्तव में पुनर्बलन जो होता है वो रेनफोर्समेंट जो होता है, रेनफोर्समेंट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट की बात करूं तो रेनफोर्समेंट की यदि परिभाषा लिखनी हो तो कि ऐसी दशा या ऐसी स्थिति जिसके होने से काम की स्पीड या प्रायिकता बढ़ जाए उसको बोलते हैं पुनर्बलन। तो ये प्रकार कितने प्रकार का होता है? रेनफोर्समेंट दो प्रकार का माना जाता है। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन, और एक धनात्मक कह दो या सकारात्मक कह दो, तो एक तो होता है सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन, और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। दो प्रकार होते हैं पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। अब सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है कि ऐसी दशा जिसके होने से, ध्यान से समझना इसको, ऐसी दशा जिसके होने से काम की प्रायिकता बढ़ जाए। और नकारात्मक मतलब नेगेटिव जो है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, नेगेटिव की ऐसी दशा जिसको हटाने से काम की प्रायिकता बढ़ जाए। जैसे ध्यान से देना, इसमें सकारात्मक पुनर्बलन में मैंने किसी बच्चे को कहा, किसी बच्चे ने काम किया तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा शाबाश, ये क्या है सकारात्मक। मैंने कहा कि बेटा ये काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, टॉफी मिलेगी, तो ये क्या हुआ सकारात्मक। नकारात्मक पुनर्बलन को आप यूं समझ सकते हो कि किसी बच्चे को उससे काम करवाना है और मैंने कहा कि बेटा यदि काम ये नहीं करोगे तो मैं आपको जो रोज चॉकलेट देता हूं वो नहीं दूंगा, तो भी पुनर्बलन हो रहा है उसका, तो भी वो चाह रहा है कि यदि ये चीज हट जाएगी नहीं तो, यदि मैं काम नहीं करूंगा तो भी काम की स्पीड बढ़ेगी। इसमें हटना और इसमें जुड़ना, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन। एक बार सवाल भी आया था दंड, शिक्षा में दंड जो है वो न तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है और न नकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसीलिए तो शिक्षा जो आजकल आरटी जो चल रही है उसमें बच्चों को दंड जो है वो शिक्षा में कोई पुनर्बलन नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों को पीटा नहीं जा सकता। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि यदि बच्चे को दंड दिया जाए, कई बार कहते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब होता है दंड, लेकिन दंड नहीं है,
शिक्षा में दंड का कोई पुनर्बलन नहीं है, क्योंकि यदि किसी बच्चे को दंड दिया जाए तो उसका कोई प्रोग्रेस नहीं होती। इसलिए दंड तो कोई सकारात्मक है ना नकारात्मक, कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता। तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की हमने बात की। अब देखो स्किनर का एक और जो उपयोगिता थी, स्किनर ने बहुत बढ़िया चीज की कि 1954 में, याद रखना 1954 में उन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन दिया था। अभिक्रमित अनुदेशन, इसके बारे में एक अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं। अभिक्रमित अनुदेशन, अनुदेशन दिया था और इसमें उन्होंने बहुत अभिक्रमित अनुदेशन के आपने आप पढ़ोगे कि बहुत सारे प्रकार हैं, तो उसमें रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है, कौन सा रेखीय, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था, स्किनर ने, ठीक है। इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम सारे सिद्धांत को यदि देखें, जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था वो किस पर जोर देता है, रेनफोर्समेंट पर, सबसे ज्यादा जोर देता है रेनफोर्समेंट पर। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने इस सिद्धांत के नाम जो उपनाम है, उपनाम क्या क्या है, कई बार नाम दूसरा दे दिया जाता है एग्जाम में कि यह सिद्धांत किसने दिया था। तो देखो पहला उनका नाम था, याद रखना, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का याद यूं रख सकते हो कि कोई भी काम जो होता है वो सक्रियता से कब होता है, जब उसको क्या मिले, रेनफोर्समेंट मिले। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया, सक्रिय अनुबंधन। सक्रिय कब रहोगे, आपको बार बार पुनर्बलन मिलता रहे, तो ये होता है सक्रिय अनुबंधन का। वैसे पुनर्बलन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक होता है पूर्ण पुनर्बलन, पूर्ण पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट लिख दो। एक होता है आंशिक पुनर्बलन, एक होता है खंड पुनर्बलन। तो इस प्रकार बहुत सारे रेनफोर्समेंट होते हैं, तो इन रेनफोर्समेंट की वजह से कोई भी काम सक्रिय होता है, सक्रिय रहता है। तो पहला नाम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। साधनात्मक का मतलब होता है प्रभाव, कि कोई भी काम होता है वो किसकी सहायता से होता है, किसी साधन, साधन मतलब अच्छी चीज उसको प्राप्त होते, प्रभाव अच्छा रहे, तो इसलिए इसको बोलते हैं साधनात्मक अनुबंधन। ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अर्थात इसको यूं भी समझ सकते हो कि कौन से साधन काम में आते हैं, या तो पुरस्कार, अच्छा सकारात्मक पुनर्बलन, या नकार, दो साधन तो होते हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो दो साधनों से सारा का सारा सिस्टम चलता है। तो साधनात्मक अनुबंध कह सकते हो, साधन को निमित्तिक भी कहते हैं, निमित्त किस कारण, निमित्त का बोलते हैं, जैसे सेंटेंस बोलते हैं निमित्त का अर्थ होता है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मैं आज आपको यहां सुबह सुबह इस निमित्त आया हूं, आपको पढ़ने के निमित्त आया हूं, मैं यहां क्यों खड़ा हूं आज, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ने के निमित्त आया हूं। निमित्त का मतलब किस लिए, उसका उत्तर जो देता है वो निमित्त होता है। तो किस कारण कोई काम होता है, और एनफोर्समेंट की वजह से होता है, तो इसको निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। पहला सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा है रिक्त प्राणी उपागम भी इसको कहा जाता है। कौन सा उपागम, रिक्त प्राणी उपागम, अर्थात व्यक्ति बड़ा रिक्त होता है और उसको बार बार क्या चाहिए, रेनफोर्समेंट चाहिए, रिक्त प्राणी उपागम। और अगला है आर एस सिद्धांत, आर एस सिद्धांत, आर एस सिद्धांत, ध्यान से समझना, आर का इसके में मतलब क्या है, आर यहां आया है रेनफोर्समेंट से पुनर्बलन से, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, रेनफोर्समेंट स्टिमुलस सिद्धांत भी कहते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन, स्टिमुलन का मतलब उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, रेनफोर्समेंट मतलब कोई भी उद्दीपक होता है वो रेनफोर्समेंट की वजह से, पुनर्बलन की, आर एस सिद्धांत भी इसको कहते हैं, या आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी,
आपको मैंने बताया कि जो क्रिया पर्षद था उसको फुल नाम क्या था, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, लिखा है मैंने अभी तो याद रखना। तो इसको आर टाइप का आर का यहां मतलब क्या है, वही रेनफोर्समेंट टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो इसके बहुत सारे उपनाम है, तो एक बार इनको याद रखना। अब देखो इस जो स्किनर का लास्ट जो बिंदु है वो क्या कर रहा है कि इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। शिक्षा में देखो इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। शिक्षा में इसका उपयोग, यदि बात करूं मैं शिक्षा में इसकी उपयोगिता की बात करूं, शिक्षा में उपयोगिता ठीक है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता सीधी सी कहानी है। शिक्षा में इसका उपयोग है कि यदि किसी बालक को शिक्षा में आप इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों में मनोवांछित परिवर्तन ला सकते हो कि कोई चीज अच्छी बालक कर रहा है तो उसको क्या होगा, चाबासी दोगे, पुनर्बलन दोगे, तो मनोवांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा। तो पहली बात आप लिख सकते हो कि पुनर्बलन से मनोवांछित परिवर्तन बालकों में पुनर्बलन से, सबसे एक ही ये सबसे मोस्ट है, पुनर्बलन से मनोवांछित परिवर्तन ला सकते हैं बालकों में, पुनर्बलन से मनोवांछित परिवर्तन ला सकते हो आप, ठीक है। परिवर्तन ला सकते हो। अब इसके अलग अलग में पढ़ूं, सब के जो फायदे हैं वो इसी सेंटेंस में समा जाएंगे कि कोई भी बालक जैसे अच्छा व्यवहार करता है, तो उसको तुरंत पुनर्बलन दो। जैसे आपकी क्लास में किसी बच्चे ने सवाल बताया जो आपने दे रखा था कि आपको याद करके आना, तो सवाल बताया तो उसको तुरंत पुनर्बलन दो, और बार बार यदि पुनर्बलन दोगे तो उस बच्चे का क्या है, शिक्षा में स्तर अपने आप ऊपर उठेगा। तो पुनर्बलन से क्या होता है, शिक्षा में बालकों का विकास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे गणित के पहाड़े याद करने हैं, या आप यूं कह सकते हो हैंडराइटिंग सुधारनी है, तो इन सब में गणित में भी इसका उपयोग हो सकता है, गणितीय क्रियाओं में। तो गणितीय क्रियाओं में कैसे उपयोग होगा कि कोई भी बालक गणितीय संक्रियाओं में इसका उपयोग होता है, संक्रियाओं को सीखने में उपयोगी। कि कोई भी बच्चा जब छोटी छोटी चीजें सीखता है तो यदि उसको पुनर्बलन दे, गणित में छोटी छोटी चीजें सीखता है जैसे जोड़ सीख रहा है, छोटी गलती सुधार दिया और अच्छा उसने कोशिश की तो पुनर्बलन दिया, पुनर्बलन से गणितीय संक्रियाएं सीखी जा सकती है। और तीसरी जो है बालकों में व्यवहार, देखो ये इसी में आ रहे हैं सारे, तो बालकों के व्यवहार को परिमार्जित किया जा सकता है, व्यवहार को अच्छी आदतें डाली जा सकती है, व्यवहार को परिमार्जित किया जा सकता है। कि यदि बालक कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या मिलेगा, पुनर्बलन, और यदि बुरा तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन देकर उसकी आदतों में सुधार किया जा सकता है, परिमार्जित किया जा सकता है। तो इस प्रकार स्किनर का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। इसके नाम आप याद रखना, और बाकी मैं अगली क्लासों में जब भी समय मिलेगा मैं आपके लिए स्किनर, थर्नडाइक और पावलो के जितने भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उनके सवालों की एक श्रृंखला तैयार करेंगे, और इन सवालों के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर बार बार टेस्ट भी दे सकते हो, तो ये काफी आपके लिए उपयोगी रहेगी। लेकिन आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को पूरा देखा करो, धीरे धीरे पूरा समझने की कोशिश किया करो, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।